ये देखते हैं, एक और क्लास में चल रहे हैं, पैराडाइज क्लास 04 कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर बनाए। ओके, अब आपको एक ऐप बनानी है इस तरह की कि जिसमें हम एक अमाउंट डालें डॉलर के अंदर और वो डिफरेंट करेंसीज के अंदर उसको कन्वर्ट करके बताए कि ये इतना अमाउंट बनेगा। ठीक है, इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम सी आउट करके एक मैसेज दिखाएंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम करेंसी कन्वर्टर ऐप, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन सी आउट लेस देन डबल कोट्स न्यू लाइन, और इसमें हम कह रहे हैं इंटर अमाउंट इन डॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो यूजर इनपुट देगा, इनपुट किस में देगा, तो यहाँ हमने कहा एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल मनी के नाम से, और वहाँ पे सी इन करके इनपुट ले लिया हमने मनी वाले वेरिएबल के अंदर कि जो भी इनपुट दें वो इसके अंदर सेट अप कर दें। रन किया तो यहाँ पे एरर कह रहा है कि डबल मनी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने ऊपर, यहाँ लगा दिया। ये अब एप्लीकेशन को रन किया, कह रहा है इंटर अमाउंट इन डॉलर्स, तो हमने $7 लिखा। अब $7 की जो वैल्यू है वो जाके सेट हो चुकी है मनी के अंदर, मनी में जब सेट हो गई तो अब हम जाके इसका कन्वर्जन बनाएंगे। जितनी करेंसीज में हमें कन्वर्ट करना है उतनी करेंसीज के हम वेरिएबल्स ले लेंगे, डबल सपोज रुपी पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है, और साथ साथ उनकी वैल्यू भी साथ साथ इनिशियलाइज करा देंगे। पाकिस्तान में $1 270 का है, डबल INR इंडियन रुपीज़ में डॉलर तकरीबन 90 का है, डबल AFG तो अफगानिस्तान की करेंसी में डॉलर तकरीबन 70 रुपीज़ का है, डबल चाइना के नाम से एक ले लेते हैं करेंसी, तो चाइना में डॉलर तकरीबन 30 रुपए का है, डबल और यहाँ पे जाके हम ले लेते हैं सपोज टू बी रशिया के नाम से एक ले लेते हैं, और उसमें डॉलर्स तकरीबन सपोज टू बी 20 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इनपुट लेने के बाद अब हमें एक सेटअप बनाना है जिसमें हम यहाँ पर रखेंगे डबल, और डबल के अंदर हमने लेना है एक वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू रखनी है 0, और हमें फिर आगे किस तरह से काम करना है, हमें लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट लिख के असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ PKR इन टू किससे करेंगे मनी से, और वो आंसर चला जाएगा रिजल्ट के अंदर। देन फिर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, और सी आउट करके यहाँ से लेस देन करेंगे, एक न्यू लाइन लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट कितने डॉलर्स हम वहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तो इसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन ये अमाउंट आ जाएगा, देन लेस देन डॉलर्स इक्वल टू डॉलर्स इन PKR पाकिस्तानी रुपीस इक्वल टू, फिर लेस देन ले लेना है, और फिर रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, अब चेक करते हैं, रन किया प्रोग्राम को, तो रन हो गया प्रोग्राम, इंटर अमाउंट इन डॉलर्स $7 इंटर किया, तो $7 इन पाकिस्तानी रुपीस 1890। ठीक है, क्लियर, एंड देन फिर आपने 7 से पहले अगर डॉलर का सिंबल भी लगाना है तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल ऐड कर दें और एक स्पेस दे दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमने यहाँ पे लिखा 88, तो क्या रहा है $88 लिख दिया। ओके, मैं थोड़ा सही कर लूँ उसको, डॉलर्स, और यहाँ पे डॉलर्स के साथ स्पेस ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे फिर रन किया हमने प्रोग्राम को, 87 डॉलर इन PKR इज इक्वल टू 23,490 रुपीज़। ठीक है, अब सेम इसकी प्रोसेस को आगे हमें कंटिन्यू करना है जितनी करेंसीज में चाहें, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करा यहाँ पे और फिर इसको इस तरह से कर दिया, यहाँ पे अब चेंज करके कर देना है INR चेंज करके, यहाँ पे डॉलर ही रहेगा, सेम रहेगा इन INR यानी कि इंडियन रुपीज़, और रिजल्ट की वैल्यू सेम रहेगी। रन करेंगे तो आप नोट करेंगे यहाँ पे हमने एक डॉलर की करेंसी डाली, तो कह रहा है $54 इन PKR इज इक्वल टू 14,580 इन इंडियन रुपीज़ 4,960। वाइस वर्सा अब आपने इन सबको इसी तरह से क्रिएट करना है, और भी मजीद इसके अंदर जो है ना करेंसीज आप ऐड कर सकते हैं सिमिलर मेथड से। तो ये आपकी एक ऐसा कैलकुलेटर ऐप बन जाएगा कि कोई भी अगर डॉलर की करंट वैल्यू को जानना चाहता है तो वो यहाँ पे डॉलर्स का अमाउंट लिखेगा, इंटर करेगा, हर करेंसी का उसका एक वेरिएशन आपको ये एप्लीकेशन बना कर दे देगा।